ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एंड नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, सेम यूनिट अपनी 9th 12th क्लास के लिए। क्योंकि जो हमने लास्ट उसमें बात की थी लास्ट वीडियो में कि स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है, उनके एम्स क्या है ना, बताया था कि स्पोर्ट्स मेडिसिन है जो अपनी मेडिसिन की एक ब्रांच है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो इंजरीज होती हैं उनको देखा जाता है इस फील्ड में। उसके एम बताए थे कि हमने बताया था कि इंजरी ना हो, प्रिवेंशन, डायग्नोस एंड ऑल दैट बताया था, इफ यू रिमेंबर दैट। आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन कि भाई स्पोर्ट्स मेडिसिन का स्कोप क्या है, एरिया कहाँ क्या है उसका, कितना एरिया है, कितनी ज़रूरतें हैं, किन किन को ज़रूरतें हैं, उसी को बोलते हैं स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। बहुत सिंपल टॉपिक है बट प्लीज़ देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते कि सर हमें तो सब कुछ आता है, वी ऑल नो अबाउट द फिजिकल एजुकेशन, विल गेट द मार्क्स, गुड मार्क्स वेरी इजीली, नथिंग लाइक दैट डियर। यू हैव टू पे अटेंशन एंड यू हैव टू राइट, यू नो, जिनको बोलते हैं कि आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट, एटलीस्ट पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे अंदर, ठीक है, वट एवर यू आर राइटिंग दैट मे बी चल जाएगा, बट एटलीस्ट यू हैव टू राइट द पॉइंट्स। पॉइंट एंड डेफिनेशंस आर प्लेज गुड रोल ना, सो आपको जस्ट टू गेट द नाइस मार्क्स, गुड मार्क्स, यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ द पॉइंट, जैसे मैंने अभी पॉइंट्स डाले हैं। तो स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात करते हैं, प्लीज़ रिमेंबराइज ऑल दीज पॉइंट्स, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दोगे आप। तो पहला पॉइंट है फॉर ट्रेनर की स्पोर्ट्स मेडिसिन और की जरूरत, जो ट्रेनर हैं जो बेसिकली ट्रेनिंग देते हैं उनको होनी चाहिए, है ना, सो दैट कि उनके अंडर में जो भी एथलीट या जो भी ट्रेनिंग ले रहा है उसको कोई इंजरी हो जाए, बिकॉज इंजरीज डजेंट, यू नो, डजेंट गिव द टाइम, इट कैन अकर एनी वेयर एनी टाइम एंड एनी वन, किसी को भी किसी भी जगह किसी भी टाइम एंड कहीं पे भी हो जाएगा, ना ये टाइम देखता, ना स्पेस प्लेस देखता और ना इंडिविजुअल को देखता। सो अगर किसी जैसे कोई ट्रेनर है, इफ इज हैविंग द नॉलेज अबाउट दीज स्पोर्ट्स मेडिसिन, सो एटलीस्ट ही और सी कैन ट्रीट, थोड़ा जो बेसिक ट्रीटमेंट है दे कैन प्रोवाइड ऑन द स्पोर्ट्स, उसमें एक फर्स्ट एड भी आता है, CPR भी आता है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, फर्स्ट एड क्या है, CPR क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन क्या है, सो एटलीस्ट दे शुड हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट द स्पोर्ट्स मेडिसिन, सो एक टाइमली हेल्प दी जाए उनको ऑन द स्पोर्ट्स। अगला है फॉर फिटनेस इंस्ट्रक्टर, जो बेसिकली जो फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं, जो देखिए आजकल ये जो स्पोर्ट्स है एक कॉमर्शलाइज हो गया है और पीपल्स आर अवेयर अबाउट देयर फिटनेस एंड दे रियलाइज कि यस व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिटनेस, सो जो स्पोर्ट्स मेडिसिन जो प्रोफेशनल हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो गई, उनकी डिमांड बढ़ गई है। ऑफकोर्स भाई हम सब जानते हैं कि हमारी हमारा ये मशीन अपना बॉडी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और अगर ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है, बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। अक्सर लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट दे आर अर्निंग एंड बाई डिक्लाइन देयर हेल्थ, पहले वो कमाने पे ध्यान देते हैं, हेल्थ को इग्नोर करते हैं, इन द लेटर स्टेज व्हाट दे आर डूइंग दे आर जस्ट अगेन एक्सपेंसिंग दैट मनी व्हाट दे हैव गेन्ड बिफोर जस्ट टू ब्रिंग बैक द हेल्थ अगेन, बट वो पॉसिबल नहीं होता है। कि बेटर है कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चलो कि भाई हेल्थ को भी केयर करो एज वेल एज आप जॉब करें पढ़ें वट एवर, बट डोंट डू लाइक दैट कि जस्ट यू आर इग्नोरिंग योर हेल्थ एंड जस्ट कंसंट्रेटिंग अदर थिंग्स, साइमल्टेनियसली लेके चलो बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। आप स्टूडेंट हो या टीनेज में हो या एडल्टहुड में हो या आप वट एवर जो भी आपकी एज हो, जॉब कर रहे हो, रिटायर हो गए हैं, वट एवर, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ साइमल्टेनियसली, है ना, ये मशीन ही है, यही हमारी आइडेंटिटी है। मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर चला जाता हूँ, कई बार बहुत गलत आदत है। सो जो फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि बेसिक नॉलेज हो, सो वो भी बेसिकली स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें, तो यहाँ पे उनके लिए भी स्कोप है। अगला है फॉर कोचिंग, जो कोचेज हैं, वी ऑल नो कि कोच क्या होता है, कोई भी गेम होता है तो उसका एक कोच होता है, जैसे वॉलीबॉल है तो वॉलीबॉल कोच होता है, तो कोच क्या है उस स्पेसिफिक गेम की, उसमें एक स्पेशलिटी होती है कि उसको, इसलिए कोच एक स्पेशल गेम्स के होते हैं कि भाई स्विमिंग कोच होता है, वॉलीबॉल कोच होता है, बास्केटबॉल कोच होता है, हैंडबॉल कोच होता है, एवरी गेम्स हैव देयर ऑन इंडिविजुअल कोच एंड एवरी टीम, सो बिकॉज द कोच द जॉब ऑफ द कोच इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द एथलीट्स टू द प्लेयर्स, सो ही इज बेसिकली स्टेइंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स विद द प्लेयर,
है ना, वो ही उनको ट्रेनिंग देते हैं, जो भी ट्रेनिंग हो। तो जो कोचिंग एरिया में भी इसका स्कोप बनता है स्पोर्ट्स मेडिसिन का। नेक्स्ट है डाइटिशियंस। डाइटिशियन आप यू ऑल नो कि होते क्या है, बेसिकली जो डाइट रिकमेंड करते हैं, दे आर रिकमेंडिंग द डाइट एज पर द फिजिकल एक्टिविटी, कि भाई कौन कितनी कैलोरी बर्न कर रहा है। इफ समवन इज डूइंग वेरी हार्ड वर्क, कि व्हाट इज द बर्निंग रेट ऑफ देयर कैलोरी इन अ डे, नॉर्मली लाइक 2000 जो कैलोरी बर्न करता है एन एडल्ट, बट समवन इज डूइंग हार्ड वर्क, कि मे बी ही इज कंज्यूमिंग 3000 कैलोरी, समवन इज डूइंग वेरी हार्ड वर्क, इन दैट केस ही कैन गो फॉर लाइक 4 to 5000 कैलोरी पर डे। सो इट इज द जॉब ऑफ द डाइटिशियन की ही विल रिकमेंड की वट इज द स्पेसिफिक डाइट रिक्वायर फॉर ए स्पेसिफिक प्लेयर। इट इज अगेन रिलेटेड टू द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड गेम्स टू गेम, कौन क्या गेम परफॉर्म कर रहा है। तो डाइटिशियंस ऑल्सो सपोज टू हैव द नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। सो उसके लिए भी एक फील्ड बन रहा है डाइटिशियन के लिए भी। देखिए मैं आज हिंदी को बहुत यूज कर रहा हूँ, काफ़ी वो आ रहे हैं कि सर प्लीज़ आप 50-50 करें हिंदी इंग्लिश, दैट्स इज द रीजन मैं 50% से भी ज़्यादा कर रहा हूँ। एक है फॉर फिजियोथेरेपी। देखिए फिजियोथेरेपिस्ट का आपने नाम सुना होगा। फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, जैसे किसी को प्लेयर्स को कोई इंजरी हो गई तो रादर टू गो ड्रग्स, मतलब ड्रग्स की बजाय वो बाय यूजिंग द बॉडी मसाज एंड ऑल दैट दे आर डूइंग द ट्रीटमेंट दैट कम्स इन द फिजियोथेरेपी। उसी को हम फिजियोथेरेपी कहते हैं कि किसी प्लेयर को जो इंजरी हुई है, लाइक किसी को स्ट्रेन हो गया है, स्प्रेन हो गया है, एंड जो उसका रिहेबिलिटेशन है स्पेशली, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है, उसको मसाज एंड ऑल दैट, जो भी ऑयल मसाज एंड ऑल दैट दे आर परफॉर्मिंग एंड दैट कम्स इन द फिजियोथेरेपिस्ट। सो फिजियोथेरेपिस्ट शुड हैव द नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट्स मेडिसिन। नेक्स्ट कम द प्लेयर। ऑफकोर्स प्लेयर दे आर द वन हु इज डायरेक्टली आर ऑन द ग्राउंड, प्रैक्टिकली दे आर प्लेइंग द गेम्स, सो दे सपोज टू हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट द स्पोर्ट्स मेडिसिन। सो दे आर द ओनली पर्सन कि भाई वो फेस कर रहे हैं सिचुएशन को, बाकी लोग तो कोई ट्रेनिंग दे रहा है, कोई कोचिंग कर रहा है, बट अल्टीमेटली दे आर द ओनली हु इज रियली गोइंग इन द ग्राउंड। सो उनको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और उसके लिए भी अपना यहाँ पे भी एक स्पोर्ट्स मेडिसिन का स्कोप है प्लेयर्स को भी। इसलिए प्लेयर्स को भी पढ़ाया जाता है कि भाई CPR क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, कंट्यूजन क्या होता है, है ना, किसी छोटी इंजरी को कैसे ट्रीट किया जाए, मसल इंजरी को कैसे ट्रीट किया जाए, अगर फ्रैक्चर हो गया तो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन, किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन जस्ट टू स्टॉप द ब्लीडिंग, है ना, क्लोटिंग क्या है। सो थोड़ा सा बेसिक फंक्शन प्लेयर्स को भी बताया जाता है कि व्हेन दे गो एट हाई लेवल की बताया जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द हार्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द मसल्स एंड ऑल दैट। सो ये यहाँ पे भी प्लेयर्स के लिए भी स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक फील्ड है। बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 फॉर फिजिशियंस। फिजिशियंस वी ऑल नो कि फिजिशियंस के पास भी हम प्लेयर्स को इंजरी होती है तो दे गो टू द फिजिशियंस ऑल्सो। तो फिजिशियंस वहाँ पे भी स्कोप बनता है स्पोर्ट्स मेडिसिन का। बाद में आता है फॉर टीम मैनेजर्स। देखिए टीम मैनेजर्स भी होते हैं हर गेम में, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट की टीम में एक कोच भी होता है, एक टीम मैनेजर भी होता है, वॉलीबॉल का भी कोच होता है, टीम मैनेजर्स होते हैं, स्विमिंग में भी एवरी गेम हैज़ कोच एज वेल एज द टीम मैनेजर्स। सो टीम मैनेजर्स के लिए भी ये जो स्पोर्ट्स मेडिसिन का स्कोप वहाँ पे भी ये आता है कि टीम मैनेजर शुड हैव द नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट्स मेडिसिन। मैंने पहले भी बात की थी शुरुआत में कि भाई ये जो फील्ड है अभी डे टू डे इट इज़ गोइंग स्प्रेडिंग वाइड हो रहा है, कमर्शलाइज हो रहा है, क्योंकि इसमें फेम है, मनी है स्पोर्ट्स में, और मोर ओवर द पीपल्स आर लाइक अवेयरिंग देमसेल्फ कि भाई फिटनेस क्या है, हेल्थ क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लाइफ में, आजकल एक नए नए चैलेंज हमारी लाइफ को आ रहे हैं, नए नए वायरस आ रहे हैं, नए नए ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, नए नए वॉल्स आ रही हैं, तो इसमें ये जो स्कोप है स्पोर्ट्स मेडिसिन का बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड ऑल दिस एवरीवेयर जिनकी हम बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस। द मीनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर द बेसिकली द प्लेयर्स आर गेटिंग द ट्रेनिंग, लाइक एट स्कूल लेवल्स दे आर ऑल्सो गेटिंग सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग वाइल दे आर प्लेइंग गेम, एंड लाइक स्पेशल इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर गिविंग स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल्स इफ यू टॉक अबाउट द क्रिकेट, द क्रिकेट प्लेयर्स ऑल्सो गोइंग फॉर सम स्पेशल काइंड ऑफ कैंप, है ना, सम स्पेसिफिक प्लेस।
एवरीवेयर, लाइक जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, द प्लेयर्स आर सेलेक्टिंग देयर एंड दे आर गेटिंग ट्रेनिंग देयर, सो दे ऑल्सो नीड दीज स्पोर्ट्स मेडिसिन. सो वहाँ पे भी स्कोप बनता है इंस्टीट्यूशंस को भी, दे शुड हैव एटलीस्ट समवन हु इज लुकिंग आफ्टर दिस स्पोर्ट्स मेडिसिन, सम प्रोफेशनल्स. So they also need this thing. And finally, the last point is for physical education teacher. Physical education teacher, you all know ki bhai every school, whether it is NCERT or CBSE, ki games are the part of life. Everybody has to play the games. जो भी उसका level है, whether he is or she is studying in third class, fifth class, tenth class, twelfth class, college level and university level also. So वहाँ पे फिजिकल इंस्ट्रक्टर, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज स्पोर्ट्स. इवन नाउडेज स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज आर ऑल्सो डिप्लॉइंग दिस थिंग कोचेज ऑल्सो जस्ट टू इन्हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक गेम्स. सो दे ऑल्सो सपोज टू हैव द नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट्स मेडिसिन एटलीस्ट दे, है ना. एंड बेटर, इट विल बी मच बेटर इफ द स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज आर ऑल्सो डिप्लॉइंग समवन who is a professional in the sports medicine. But at least if they are not deploying any expert or a professional in these area, but at least their physical instructor teacher should have the basic knowledge about the sports medicine. So this is all about the sports medicine. I am quickly revising all these points very soon. Please kind attention here. First is for trainer, definitely those who are giving the trainer they need. Second, for fitness instructor, the person they are giving the training, the fitness training, and at various level they also need this for sports medicine. Next is for coaching, the person who is giving the coaching or all the games have their individual coaches, they also need this. And then next come the dietitians. Maine bataya tha ki dietitians, what is the role of the dietitian. Then physiotherapy, I also told you ki what is physiotherapy and what is physiotherapist. Players definitely, because they are the only person they are actually facing the going to the ground and actually facing the situation. Physicians. 8 is for team manager, institution, and finally for physical education teacher. This is all about the sports medicine. I hope it is clear to you. Please, if you are having any query, please let me know. That's all.